हेलो गाइस, बहुत बहुत स्वागत है आपका अभी एलएस ब्लॉग्स में एक बार फिर से। और आज हम पहुंच चुके हैं शिमला। मई के महीने में आए हैं और बहुत ज़्यादा भीड़ है यहाँ पे। वीकेंड पे आ गए हैं और बहुत ज़्यादा भीड़ है। बड़ी मुश्किल से होटल मिला हम लोगों को। होटल वोटल कर लिए, अभी हमने टैक्सी की है जाकू मंदिर के लिए। जाकू मंदिर है ना, अभी यहाँ से जाकू मंदिर जा रहे हैं, वहाँ से वापस आएंगे और अभी जाकू मंदिर पहुंच के आपको दिखाऊंगा, वहाँ के दर्शन करवाएंगे आपको भी, है ना। तो चलो, जो जो और घूमने के लिए है मई के महीने में यहाँ, वो आपको दिखाऊंगा। तो भाई ये टैक्सी आ गई अपनी, टैक्सी। हाँ जी, हाँ जी। तो भाई टैक्सी आ गई, टैक्सी में बैठ चुके, अभी जा रहे हैं हम जाकू मंदिर। ये भैया लेके जाएंगे हमें, बैठ गए सारे। बिल्कुल बिल्कुल जी, आ गए। चलो जी। और सैम भाई कहाँ जा रहे हैं हम लोग? हम जा रहे हैं जाकू मंदिर। उसके बाद क्या प्लान है? उसके बाद हम आएंगे चर्च में, फिर माल रोड में जाएंगे, फिर घूमेंगे, फिर क्या लगाएंगे? क्या लगाएंगे? पैक लगाएंगे, पैक। मेन बात तो बोल दी इन्होंने। तो गाइस मतलब 600 रुपये में हमने बुक करी टैक्सी, भाई साहब बढ़िया मिल गई। और अपनी कार हमने वहीं खड़ी कर दी भाई। बहुत मुश्किल है यहाँ पे, इतनी भीड़ है, मतलब नहीं चल रही थी गाड़ी हम लोगों से भाई, सिर घूम गया हम सबका। जा रहे हैं जाकू मंदिर, वहाँ के दर्शन कराएंगे आपको और व्यू भी आप देखेंगे कैसा है वहाँ का। तो मिलते हैं आपको जाकू मंदिर। जाकू मंदिर पहुंच चुके हैं हम लोग। यहाँ पे दो रास्ते हैं, एक पैदल का, एक ये एक्सीलेटर चल गया है। फिलहाल तो फ्री है, तो यार को पीछे अभी यहाँ से जाएंगे ऊपर मंदिर, ऊपर मिलते हैं। एक्सीलेटर पकड़ी भाई, दूसरी एक्सीलेटर, पहली एक नीचे थी, ये दूसरी पकड़ी है अभी। और नहीं पता ऊपर और भी हो, पर दूसरी पकड़ी है अभी इस टाइम पे। पर ये बढ़िया कर दिया भाई, मतलब आराम से जा सकते हो ऊपर एक्सीलेटर पे, कोई दिक्कत ही नहीं है। मतलब कोई बुजुर्ग हो, बच्चे हो, आराम से जा सकते हो। अगर मन है तो वहाँ से उस साइड से पैदल से भी आ सकते हो, पर वो बहुत ज़्यादा तिक्की चढ़ाई है। वापस देखते हैं शायद हम वहाँ से आएंगे, क्या प्लान बनता है ऊपर जाके। पहले माथा देखते हैं, फिर मिलते हैं आपको। इस रास्ते से नीचे जाएंगे पैदल, तो उस रास्ते से हम आए थे एक्सीलेटर से ऊपर, और इस रास्ते से नीचे जा रहे हैं क्योंकि बहुत थक गए थे, चढ़ाई करने सकते थे, तो एक्सीलेटर थे वहाँ पे, वहाँ से आए। वहाँ से हम नीचे भी जा सकते हो वापस, तो पर हम यहाँ से जाएंगे, यहाँ का भी व्यू देख लें कैसा है, क्या है। तो उतरना आसान रहता है चंडे से। हाँ भाई कैसा लगा जाकू मंदिर? शांति सुकून मिला। तो भाई जाकू मंदिर ना, वैसे यहाँ पर जब संजीवनी बूटी लेने गए थे ना हनुमान जी, तो उन्होंने रास्ते में क्या बोलते हैं, रेस्ट किया था, विश्राम किया था यहाँ पर रुक के। तो इसलिए यहाँ पे ये टेंपल बना है, जाकू टेंपल जिसे बोलते हैं हनुमान जी का। तो इसलिए यहाँ पे लोग आते हैं, माथा टेकते हैं ना।
तो मैं तो पहली बार आया यहाँ पे, बहुत ही मज़ा आया। तो चलो अभी चलते हैं नीचे और शाम में माल रोड जाएंगे, वो भी दिखाएंगे आपको, है ना नन्नू? हाँ जी हाँ जी। तो गाइस अभी फाइनली हम रूम में आ चुके हैं, जाखू मंदिर गए थे वहाँ से आ चुके हैं। अभी इसके बाद हम जाएंगे माल रोड, वहाँ पे चर्च है, काली माता का मंदिर है, वो भी देखेंगे कि वहाँ पे और क्या क्या व्यूज रहेंगे वहाँ पे, है ना। टूरिस्ट वगैरह आते हैं, ये इन्होंने बताया हमें, बहुत टूरिस्ट आते हैं वहाँ पे, शॉप्स हैं, बढ़िया है, मतलब माहौल रहता है वहाँ पे, वहाँ जाएंगे वहाँ भी दिखाएंगे। तो अभी इनके हालात देखो कैसे हाल चाल है भाई। अभी तो बिल्कुल बढ़िया है, लेकिन अब रात को पता नहीं कैसा होगा, क्योंकि हमें बताया गया कि वहाँ पे ठंड भी बहुत है, तो हमारे साथ में लेकर अभी रात में ठंड बहुत है और हम लेके नहीं आए साथ में जैकेट वैकेट। ननू जैकेट लेके आए? नहीं भाई, जैकेट लेके नहीं है। तो चलते अभी थोड़े रेस्ट करेंगे, वहां मिलते हैं माल रोड पे जाके। क्यों सैम जी? बिल्कुल सही है भाई, मजा आया मंदिर जाके? हाँ बिल्कुल मजा आया। चलो भाई मिलते हैं अभी आपको माल रोड, वहां जाके मजा करेंगे। तो गाइस 7:30 बज चुके हैं और हम लोग आए हैं माल रोड पे, और भाई इतना तगड़ा व्यू है ना, इतनी अच्छी क्राउड है, मतलब लाइटिंग वाइटिंग हो रखी है, आप देखो ये पीछे पूरा, मतलब नहीं सैम भाई। हाँ बिल्कुल भाई, शिमला में है हम एट टाइम, शिमला में है माल रोड पर, 7:30 बज रहे हैं, मजा अच्छा आ रहा है, मौसम है, मतलब मई के टाइम में आ रखे हैं, याद रखना मई में घूम रहे हैं हम लोग, और अच्छी हवा चल रही है, अच्छा क्राउड है, बहुत बहुत ज्यादा क्राउड है, मजा आ रहा है घूमने में भाई। ये हमारे अरविंद भाई, ये आयुष भाई, हेलो, कैसा लग रहा है भाई? मजा आ रहा है, बढ़िया बढ़िया, फुल एंजॉय हो रहा है भाई, बहुत मजा आ रहा है। चलो और देखते हैं और क्या क्या आ गया ना। गाइस आज है दूसरा दिन, कल बहुत थक गए थे रात में और पता नहीं चला कब आए वहाँ से माल रोड से आके सो गए, और आज जा रहे हैं हम लोग, हमने होटल भी चेकआउट कर दिया, अभी यहाँ से जा रहे हैं कुफरी, जाएंगे न्यू कुफरी एडवेंचर स्पोर्ट, जाओ के वहाँ जाएंगे, वहाँ दिखाएंगे कौन कौन सी एडवेंचर है करने के लिए और क्या क्या है हमें भी नहीं पता, वहाँ जाके मिलते हैं ना, रात में खाएं पिएंगे, है ना भाई? तो चलो गाइस। हाँ भाई मई के महीने में रात में ठंड हो जाती है, पर इसका जैकेट वैकेट का कोई फायदा नहीं हुआ, तो मिलते हैं वहाँ पे, आपको देखते हैं क्या एडवेंचर वगैरह होते हैं, ठीक है? आजा आजा। तो गाइस अभी हम लोग फंस चुके हैं जाम के अंदर, बहुत लंबा जाम है, कुफरी थोड़ा सा ही रह गया आगे, भाई साहब वो देखो लोग कैसे खड़े हैं, कम यहाँ पे हमें 15 मिनट हो गए हैं खड़े, कितने 15-20 मिनट हो गए, अभी और कितना टाइम लगेगा पता नहीं, जाम में फंस गए, वो देखो लाइन लगी हुई है भाई साहब गाड़ी की, अब पता नहीं कितना टाइम लगेगा, और वो देखो देखते हैं कब तक यहाँ पे फंसेंगे, कब तक पहुँचेंगे बाबा। अजय फोटो खींच लिया, Thank you.
रविंदर जी पागल हो गए देखो, मैं जो वो तोड़ रहे हैं कि यहीं से चला जाऊंगा मैं कुफरी। मेरे को जाम की वजह से गुस्सा आ रहा है, अब उतारू किस सारा इधर बैठ इधर आ, वहां पे बैठ के जोर लगा ले। कुफरी जा रहे हैं, पहले लग रहा सी आ रहे कुफरी तो छह एक्टिविटी हम इसमें में रहेगी, हमारी बनने का रहेगा ठीक है। एडवेंचर हम इसमें दोनों साथ में लेंगे, 1500 का आदमी का है, इसमें आपकी 12 एक्टिविटी रहेगी। गो कार्टिंग अकेला 1000 का रहेगा, ट्रैक होता है 200 मीटर का, 6 राउंड मिलते हैं आदमी को। रेडी गुड नाइट ठीक है तो भाई बोल दिया बढ़िया था कोई सेफ्टी नहीं। चढ़ जाओ चलते रहो कॉम्प्लेन किया तुमने, यू आर अ कॉम्प्लेन बॉय। कोई नहीं अंडरवियर दिखने दो, कोई बात नहीं थोड़ा टाइट कर लीजिए। अच्छा के ओहो चल गए कुछ जा भजा जल्दी शामू बहुत स्लो है, मिलिट्री दे एग्जाम देने जल्दी चल। ऊपर जा ऊपर और ऊपर अब रस्सी पकड़ ले भैया, वो आ रहा है पैर बाहर निकाल रस्सी पकड़ और ऊपर। अरे यार सही है ऊपर डॉक्टर के घर पे जाना था ना, रस्सी पकड़ तो था भाई, टूटता तो नहीं है, जोन कर दो। अरे पाजी हां
हिम्मत दिखाओ ऊपर जाना है भाई। रोडीज का वो है, रोडीज रोडीज। चलो 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 ज्यादा नहीं, सारे पैसे अंदर देगा साले, जिसका नहीं जानता। वही छड़ी है, साढ़े बस बारी हर खबर निकल गई। मैं तो एक बारी में चल गया वहां तक, देख के चलो, देख के चल। ਮੈਨੂੰ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਬੈਠ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇੰਜੋਏ ਮਾਰ ਇੰਜੋਏ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਆਪੇ ਕਰੇਗਾ। ठीक है लोगी नन्नू, बस भाई कैसा लगा आपको? कुत्ता बहुत बंदा उधर तो गाइस अभी हम जा रहे हैं हॉन्टेड हाउस जिधर को पीछे, अभी अंदर जाएंगे, देखें कैसा बनता है। डर लग रहा है हल्का हल्का। चलो भाई इस साइड। अरे भैया आजा आजा। कहाँ है रास्ता? है तो खतरनाक सीधा। अब कुछ ना कुछ है, यही बंदा खड़ा आगे। किधर को जाना है मम्मी? कुछ नहीं करा इसने, निकलो कुछ तो करेगा। ये ऊपर भी है, खास खत्म। यस किसी कुछ नहीं हुआ यार। अरे मजा आ गया, ठीक था, कुछ नहीं बस। तो गाइस हम लोग जाए हो रहा है, उसमें मज़ा आया, बढ़िया लगा। और मैं और आयुष गए थे, बाकी नहीं गए, तो ठीक था, बढ़िया था, बढ़िया आया है ना, बढ़िया एकदम, बढ़िया माहौल अच्छा था, साउंड वगैरह अच्छा था ना, एकदम एकदम। चलते अगली एक्टिविटी करते हैं। सो गाइस अभी हम मिरर हाउस जा रहे हैं, मैं और आयुष ही हैं बस, बाकी की मतलब अभी बाहर हैं, बाकी लोग बाहर हैं, तो चलते हैं, चलते हैं। चलो तो गाइस हम लोग आ चुके हैं मिरर हाउस, जो कि काफी भयानक है, और हम लोग को ना बाहर का रास्ता पता नहीं चल रहा है, कैसे बाहर निकलना है यहाँ से। तो गाइस देखते हैं जल्दी।
रात कर दे कहाँ पे। तो गाइस हम लोग लीजा बिल निकल चुके हैं बाहर की ओर। गाइस अभी हम आए हैं वर्चुअल रियलिटी मतलब 70 बोलते हैं ना मूवीज मतलब अंदर दिखाएंगे ऐनक वैनक लगा के प्रॉपर। तो अभी नन्नू जाएगा यूज जाएगा और अरविंदर जाएगा अंदर जाएंगे मूवी देखेंगे फिर वीडियो बनाएंगे देखेंगे कैसी है। तो गाइस वर्चुअल रियलिटी वाला देख के आए ये शो कैसा लगा। नॉर्मल था इतना कुछ मतलब खास नहीं था मुझे लगा एक बार तो उतर गया था मैं कुर्सी से अभी तक घबराहट हो रही है सिर्फ कैसा लगा। बस ठीक था कुछ खास नहीं था वैसे। तो अभी आए हैं डैशिंग कार्स देखते हैं यहाँ पे सभी करेंगे अभी अंदर ना तो चलो करते हैं डैशिंग कार्स। हेलो तो हेलो गाइस ये था हमारा शिमला का व्लॉग। हम यहाँ पे दो दिन के लिए आए थे पहले दिन हम घूमे जाकू टेंपल और शिमला का माल रोड और थोड़ा ना मई के महीने में आए हुए हैं हम लोग यहाँ पे थोड़ा सीज़न चल रहा है छुट्टियों के चक्कर में तो मतलब ट्रैफिक वगैरह बहुत है पर मज़ा आया घूम के। और दूसरे दिन हम आए थे कुफरी में हमने हिप्पी पूरे करके आए थे अम्यूजमेंट पार्क है बहुत सारी एक्टिविटीज़ वहाँ पे करने के लिए आपने देखी होगी वीडियो के अंदर ठीक है ना। तो मई का महीना है आ सकते हो बहुत मज़ा आया मतलब मौसम भी ठंडा है रात में ठंडा हो जाता है थोड़ा सुबह दोपहर में गर्म रहता है। तो आपको ये व्लॉग कैसा लगा है ना आप मेरे को कमेंट शेयर और लाइक जरूर कर दिया करिए और मिलते हैं आपको किसी अगले व्लॉग में। तब तक के लिए जय श्री राम जय हिंद जय हिंद जय श्री राम।